हो सकता तो मैं आपको काजल की दीदी के दीदी से मिलाऊंगी। दिल के अरमां सुओं में बह गए। हेलो एवरीवन, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज वेनसडे है और अभी इवनिंग के हुए हैं 7:45। इतने दिनों के बाद आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मे बी इट्स 10 to 15 days हो गए हैं मैंने व्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि थोड़ा बिजी थी। लास्ट फादर्स डे का था ना व्लॉग काजल, तो लास्ट मैंने जो किया था फादर्स डे के लिए, डे के दिन ही शूट किया था। लेकिन उसके बाद फिर एडिटिंग में भी बहुत सारा दिन लग गया था हमें, और उसके बाद ही मैंने पोस्ट किया था, वो भी बहुत लेट पोस्ट हुआ था। और मुझे लग रहा है 15 days आराम से हो गए होंगे, 10 to 15 days। मैं आज कितने दिनों की बात कर रही हूँ कि तो इतना बिजी रह जाती हूँ पूरा दिन, मुझे ऐसा ही टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही मेरा टाइम जा रहा है। ओनली मैंने रील्स ही शूट किए थे, वो भी मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद ही शूट किए थे, क्योंकि तो लास्ट टाइम मैंने जैसे ब्लैक साड़ी में रील्स बनाए थे तो उस टाइम पे मैंने ज़्यादा बना लिए थे। उस दिन काजल और मैं तो सो ही नहीं रहे थे, जिस दिन मैंने ब्लैक साड़ी पहनी थी उस दिन सो ही नहीं रहे थे ना, तो उस दिन सो ही नहीं रहे थे। कितना मस्ती मस्ती करके मैंने रील्स इतने शूट कर लिए थे, तो उसके बाद मैंने इतने दिन अभी रील्स भी नहीं बनाए थे। लास्ट अभी थोड़ा दिन पहले मैंने बनाया, तो उसमें मैंने येलो कुर्ती में बनाए थे रील्स, तो वो भी मैंने थोड़े ही बनाए हैं अभी ये बार भी। तो मैंने अभी ऐसे ही सोचा मैं जल्दी जल्दी करूँगी ब्लॉगिंग भी और फटाफट रील्स भी, जल्दी 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 कोशिश करके अभी मैं ट्राई करूँगी कि अपनी वापस वही लाइन पे आ जाऊँ, अच्छे से जल्दी से ब्लॉगिंग भी करूँ और अपना रील्स भी जल्दी जल्दी शूट करूँ। यहाँ पे इतनी गर्मी है, 2-3 दिन से इतनी गर्मी है, क्या कहना है। बस खाली थोड़ी देर अभी मुझे लगता है आफ्टरनून में सोने के टाइम पे थोड़ी बारिश पड़ी, 5-10 मिनट थोड़ी पड़ी, तो थोड़ा क्लाइमेट ऐसे चेंज होके आया। दोनों सो रहे थे काजल और मैं, तो काजल ने तो डोर ओपन कर लिया, मैंने बोला डोर बंद नहीं करेगी, तो वैसे मुझे आदत है वैसे जैसे अंधेरा हो जाए पूरा वैसे सोती हूँ। तो काजल ने बोला नहीं मम्मी डोर ओपन ही रखो, गर्मी हो रही है बहुत, रात में भी डोर ओपन करके सो रहे अपना गैलरी का हम, तो अभी भी आफ्टरनून में गैलरी का ओपन ही करके सोए थे। थोड़ी बारिश पड़ी तो काजल को अच्छा लग रहा था, थोड़ा हवा है, मम्मी थोड़ा क्लाइमेट चेंज लग रहा है, और मैं तो सोई नहीं, आधा घंटा सिर्फ सोई मैं, बस आधा घंटा भी नहीं सोई, 20-25 मिनट सोई होगी। फिर मैंने नींद में ऐसे सपने में देख रही हूँ बेल बज रहा है, काजल को उठा के बोले काजल बेल बजा गया, तो ये आने वाले थे, तो मुझे वही दिमाग में था भाई आ जाएंगे। इन्होंने बोला भाई मैं थोड़ा लेट आके खाना खा रहा हूँ, आज मैंने बनाए थे अरबी और भुगा राइस, जो ऑनियन वाले राइस में बताती हूँ आपको, वो बनाए थे आज आफ्टरनून में। तो काजल और मैं तो खा के सो के गए, अभी ने बोला मैं काम है मुझे, तो यहाँ पे अभी तक वही सिस्टम है, 4 बजे शॉप बंद हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा काम था तो बोले मैं शॉप बंद करके थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा, आप दोनों खा के सो जाओ। तो हम सो गए, फिर मुझे वही ध्यान पे था ये आए तो इनको मैं खाना गर्म करके दूँ, और आंटी भी एक साथ ही अभी पूरा काम करके जाते हैं आफ्टरनून में, पूरा मैं अपना अटेंसेस सब खाली कर देती हूँ खाना बना के एक ही साथ। मैंने फटाफट उठ के मैं सुबह में ही करने वाली थी ब्लॉगिंग, काजल ने बोला था मम्मी आज सुबह में ही ब्लॉगिंग करना, लेकिन क्या किया था मैंने हेयर ऑयल काजल से लगवाया था रात को, तो मैंने बोला मुझे हेयर वॉश करना पड़ेगा, और आंटी ने भी बोला है तू जल्दी काम उतार दे और एक ही साथ मैं पूरा काम करके जाऊँगी। तो मुझे अरबी बनाना था तो उसके लिए तो इतना टाइम लगता है, उसको बॉयल करो फिर फ्राई करो फिर उसको प्रेस करो फिर दोबारा फ्राई करो, तो उसमें टाइम लगता है बहुत। उठी भी मैं लेट सुबह में बहुत, तो भाग भाग के मैंने पहले खाना ही बनाया, मैं बोली बाद में करती हूँ मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं हेयर वॉश कर रही हूँ फिर जाके मैं ब्लॉगिंग करूँगी, बट नहीं हुआ टाइम उससे, जस्ट मैं खाना खा के थक के सो गई, फिर उठ के नींद से मैंने तभी मैंने हेयर वॉश किए, फिर अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की मैंने, क्योंकि सुबह में से भागा दौड़ हो गई और ये आए 6 बजे आ गए, इतना लेट आ गए, 6 बजे पौने छः हुआ, तो मैं जाग ही रही थी, इनका ही वेट कर रही थी आ जाए। फिर इनको भी गर्म करके दिया, अरबी और राइस थे मैंने तो इनके लिए अलग फ्राई पैन में रख दिया था, फिर इनको भी गर्म करके दिया, इन्होंने खाया चाय वगैरह पी दोनों ने, काजल को भी उठाया मैंने, काजल तो सोई अच्छे से नींद कर ली इसने, तो काजल को तो सुला दिया अच्छे से, फिर उठा लिया मैंने, बोला चल उठ चाय वाय पी, तो फिर मैं ब्लॉगिंग चालू करती हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट की, तो अभी 8 बज रहे हैं, तो नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता तो कुछ मैंने बनाया नहीं है आज, कि तो इन्होंने तो खाया अभी इवनिंग में खाना भुगा राइस और अरबी, तो बोले अभी मैंने खाया मुझे नहीं चलेगा। काजल बोले मम्मी मैं अपने लिए खुद जाके नीचे वेफर्स लेके आ रही हूँ, मैं वेफर्स खाऊंगी, अब अच्छी मैं क्या करूँ, मैं अपना मिक्स वगैरह पड़े हैं सब पड़े हैं, तो वही वगैरह थोड़ा खा के अपना चाय पी लूँगी, थोड़ा मिक्स वगैरह खा के, वो अच्छा है मिक्स ड्राई फ्रूट वाला है, वो खाऊंगी अभी थोड़ा, तो उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, मिलती हूँ आपसे सीधा मैं चाय पे। तो आज मैं चाय कैंसिल करके पीऊँगी स्लाइस फ्रूटी पीऊँगी, तो आज चाय कैंसिल कर रही हूँ, वैसे भी गर्मी है, तो मैं खा के अपना चूरा खा के मिक्स खा के
फिर ये योगी मैंगो जूस के जैसे हैं, और मैंगोज भी इतने पड़े हैं, बहुत पड़े हैं मैंगोज। कल भी मैंने नहीं खाए, कल भी रात को ऐसे ही खाया तो पेट भर गया था, नहीं खाया तो आज मैं कैसे भी करके मैंगोज भी खाऊंगी और ये शेक अभी भी जूस भी पीऊंगी। तो पहले मैं ये मिक्स लगा लेती हूँ मेरे लिए और हबी के लिए। ता भी खाई था ना, हाँ चाहिए चेवरो खाओ था ना, हाँ मैंने आज रिंग घर पे भी पहनी है, आप लोगों ने देखी होगी। तो ये आज मैंने ऐसे ही घर पे पहनी है, आज मैं थोड़ी ऐसे रेडी होके बैठी हूँ। मैंने आईज में काजल भी लगाया है, बकवास लिपस्टिक भी लगाई है, और चीज कुर्ती पहनी है, और मैंने अपना वॉर्डरोब अभी तक नहीं बनाया है, और बनाऊँ तो मेरे ढेर सारे कपड़े और निकले तो वो भी नहीं बनाया है। तो अभी थोड़ी देर ये पहनी है जब तक नाश्ता खाऊँ, जूस वगैरह पीऊँ, उसके बाद फिर मैं उतार दूंगी। क्यों तो ये पहन के तो मेरे से काम होने वाला नहीं, और अगर इसका स्टोन निकल गया तो फिर मैं रील्स में क्या बनूंगी। तो मेरे पास ये एक है, एक दूसरी भी स्टोन की है, और एक रेड वाला लेके आई हूँ जो एनिवर्सरी पे रेड ड्रेस के साथ रेड मैच है वो है। और ये तो सब पे चलती है, ये तो गोल्ड और जैसे सिल्वर दोनों मिक्स है, सब पे चलती है। और दूसरी है तो वो ओनली सिल्वर है, तो ओनली वो सिल्वर सेट पे पहन सकती हूँ। और ऐसी ढेर सारी मुझे अभी चाहिए ज्वेलरी, वही 4 बजे तक टाइम है तो कौन जाए इतना 4 बजे तक भाग के आए। और हाँ यहाँ पे गुड न्यूज है, हमारे घर में एक काजल की दीदी आई है कल रात से, तो हो सका तो मैं आपको काजल की दीदी के दीदी से मिलाऊंगी। तो जैसे जैसे रात होती जाएगी ना तो काजल की दीदी खुद ही आपके सामने आ जाएगी, तो मैं ट्राई करूंगी आपको मिलाऊं। तो काजल ने बहुत ही अच्छी दीदी बनाई है अपनी, तो मैं आपको मिलाती हूँ उससे, तो देखो कैसे दीदी उसकी। तो फिर अभी वो भी मुझे कल रात से आई है घर पे, तो इतना तंग कर रही है मैं आपको क्या बताऊंगी। मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती जाऊंगी, मेरी दीदी ने काजल की दीदी ने कितना मुझे परेशान किया है, धीरे धीरे आपको मैं बताती जाऊंगी। तो रात से उसने मुझे परेशान करके रखा है, मेरा उठना बैठना सब परेशान करके रखा है उस लड़की ने। तो आपको मैं अपने घर का न्यू में भरा आज दिखाऊंगी, तो वेट वॉच। बस इसको भी क्या है काजल को अकेली बैठ के बोर होगी, तो अभी उसने दीदी बना ली। अब मैं इसको पालूं कि इसकी दीदी को पालूं, इसको भी पालूं इसकी दीदी को भी संभालूं, मैं भी अकेली मैं भी नन्ही सी जान कहाँ कहाँ जाऊं, काजल को संभालूं और हबी को संभालूं और काजल की नई दीदी जो आई है घर पे उसको संभालूं। तो मेरे लिए तो काम का अभी गाइस बहुत प्रेशर बढ़ने वाला है, मैं बहुत ही और ज्यादा बिजी होने वाली हूँ। ये सब मैं बाद में लगा लूंगी, फिर खाना बनाने से पहले किचन को क्लीन तो पड़ा है, आंटी सब करके गए टाइम पे। तो अभी टाइम हुआ है हमारा मिक्स खाने का। जूस पी रही हूँ, और ये जूस दोनों बॉटल ही हबी ने और काजल ने मुझे फ्रिज में नहीं रखने दिए हैं, बिल्कुल भी फ्रिज वाला ठंडा नहीं है, गर्मी है तो भी ऐसे ही पी के मैं खुश रह रही हूँ। क्योंकि ये फ्रिज वाला नहीं है, इतनी गर्मी है इतना अच्छा लगता है ये फ्रिज वाला एकदम से चिल्लो और मैं पीऊँ। बट दिल के अरमासों में बह गए, ये लोग मुझे ठंडा पीने ही नहीं देते, तो अब वो ही वैसे ही पीना है मुझे। वो भी गलत नहीं है, दोनों क्या करेंगे, मेरी हेल्थ के इश्यूज ही इतने रहते, और अगर मैंने ठंडा पी लिया
तो अगले 2-3 दिन तक इन दोनों को मिलकर घर का काम भी करना पड़ेगा और मेरी सेवा भी करनी पड़ेगी। मैं अकेली पी रही हूँ, अभी नहीं पी रहे, तो इन्होंने बोला मैं चाय भी नहीं पीऊँगा और ये बाद में पीऊँगा रात को सोने के टाइम, पिया तो ठीक है नहीं तो ये तो मिल्क डेली पीते हैं, इनको तो ऐसे ही अच्छा लगता है। आम तो खाएंगे, वैसे भी मैंगो मैं काटूंगी खाने के बाद। और आज मैं रात को डिनर में बना रही हूँ काजल की फेवरेट और हबी की फेवरेट एक भुर्जी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है मुंबई स्टाइल एक भुर्जी, जो मैंने बताया था आपको पाव भाजी मसाला डालती हूँ उसमें, मस्त अच्छे से बनती है। तो वो भी मैंने बीच में भी 2-3 बार बनाई है, दोनों को इतनी अच्छी लगती है बहुत पाव के साथ, तो रात को वही बनानी है। अभी फटाफट से मैं ये पी के थोड़ी देर बैठ के 5-10 मिनट अपने सोशल मीडिया देख के मैं अपना फिर अटेंसिस लगा रही हूँ, उसके बाद सीधा जल्दी से भुर्जी के लिए काजल साथ में खड़ी रहती है एक भुर्जी के लिए, क्योंकि जो एग है ना वो काजल स्टिर करके दिखती है मुझे अच्छे से, और मैं अपना ओनियन और टमाटो जब तक मैं बनाऊंगी और वो काजल ही उसमें फ्राई पैन में अपना मिक्स करती है, कि वो मेरे से लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था जैसे जल्दी से मैं नहीं घुमा सकी थी तो फिर वो थोड़ी टेस्ट कम हुई थी, तो ये काजल बराबर से घुमाती है फटाफट से, तो काजल साथ में खड़ी रहती है, इतनी सी बात के लिए भी उसको खड़ा रहना पड़ता है, तो काजल साथ में खड़ी ही रहेगी। तो मैं ये पी के फटाफट अपने काम पर लग रही हूँ। तो गाइज अभी तक काजल की दीदी सामने नहीं आ रही है, आपसे मिल नहीं पा रही है, तो वो काजल से थोड़ा नाराज़ है, तो जैसे ही वो आती है मैं आपके साथ उसको मिला रही हूँ, उसका ही वेट कर रही हूँ, मान नहीं रही है आने के लिए, जो बोल रही हूँ आ जा सब व्यूअर्स के साथ, व्यूअर्स से मिल तो सही, घर का न्यू मेंबर है, कुछ तो व्यूअर्स को भी पता चले ना घर में न्यू मेंबर है तो उनके साथ मिलना चाहिए। तो मैं उसे इतना बोल रही हूँ व्यूअर्स के साथ वो अपना इंट्रोड्यूस तो करा अपना, तो काजल के साथ नाराज़ होकर बैठी है, तो अभी सामने नहीं आ रही है आपके, तो जैसे ही आए वो थोड़ा माने काजल से, थोड़ा काजल कोशिश कर रही है उसे मनाने की, अगर मन गई तो मैं आपसे मिल कैसे भी करके मिलवाऊंगी, ये ब्लॉग जब तक एंड नहीं करूंगी जब तक मैंने आपको काजल की दीदी के साथ नहीं मिलवाया है, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, तब तक मैं ये ब्लॉग आज मैं कसम खाती हूँ तो मैं एंड नहीं करूंगी, आपको काजल की दीदी से मिला के ही रहूंगी। लेकिन उसने बहुत परेशान किया है गाइस, मैं आपके साथ पूरा आज अपना दर्द शेयर करूंगी आपके साथ, बहुत तंग हुई हूँ कल रात से मैं, रात को 4-5 बजे तक उसने मुझे सताया है, 4-5 बजे तक उसके बाद मैं सोई हूँ, तो मैं आपके साथ पूरी बातें आज शेयर करूंगी, अपना दुख भी शेयर करूंगी, तो मेरे लिए तो आप ही हो जिसके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, अपनी खुशी भी बांट सकती हूँ और अपनी दुख तकलीफें भी बांट सकती हूँ जो कल काजल की दीदी ने मुझे दी है। अभी खाने पे मैं लग रही हूँ एक भुर्जी, जैसे आपको बताया वही बना रही हूँ, पाव लेके आए हैं फटाफट 10 मिनट में बन जाएगी, लेकिन 10:30 बज गए हैं, मैंने लेट कर दिया है बहुत, तो बैठ गए थे मैं भी मोबाइल चला रही हूँ टीवी वगैरह देख रहे थे, भूख नहीं थी लेट ही खाया था और जूस वगैरह पिया तो पेट भर गया था, फिर अभी मैं उठी 10 मिनट में सब्जी बनेगी तो बना लेती हूँ अभी फटाफट से, काजल भी साथ में खड़ी है लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ओनियन कट कर दिया है और एग रख दिया है और बटर भी अभी निकाला है मैंने, तो ये बटर डाल के फिर मैं बनाऊंगी फटाफट से। मैंने अटेंसिस अभी तक नहीं लगाए, पहले मैं अभी एग भुर्जी डाल रही हूँ फटाफट से बने, उसके बाद मैं अटेंसिस लगा के किचन क्लीन कर रही हूँ अभी, तो एक साथ है, और खाना खा दिया भुर्जी, क्या मस्त बनी थी एक भुर्जी आज,
लास्ट टाइम जैसे मैंने आपसे व्लॉग में शेयर किया था, एक भुर्जी की मैंने रेसिपी शेयर की है, तो उसमें मैंने तभी ना बटर ऐड नहीं किया था, ओनली मैंने ऑयल में बनाई थी, क्योंकि तो तभी इनको बटर वगैरह खाना ही नहीं था। तो अभी थोड़ा मैं बटर ऐड करती हूँ, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है मैंने बटर डालना। तो अभी जब भी एक भुर्जी बनाती हूँ तो मैं बटर में ही बनाती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ बाद में, बटर ही डालती हूँ। अगर ज़रूरी लगा तो थोड़ा डाल देती हूँ ऑयल, 1 या 2 ड्रॉप्स, नहीं तो नहीं डालती हूँ। तो ये जो रेसिपी अगर आपको चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे इसकी, एक भुर्जी की, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है। और इतनी गर्मी हो रही थी किचन में, इतनी गर्मी हद से ज़्यादा, जो मैंने वीडियो काजल ने निकाला, मुझे शूट किया मेरा वीडियो काजल, तो उसमें तो मेरे बाल ऐसे पूरे चिपके हुए हैं, किचन में इतनी गर्मी थी, पूरी हालत ख़राब हो गई थी। जब आके मैं थोड़ा फैन में बैठी हूँ यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के, फिर मैंने बाद में खाया, अभी थोड़ी देर में हवा में बैठूँ, इतनी गर्मी थी किचन में। तो गाइज मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और हाँ, अभी जल्दी जल्दी मैं शूट करने के लिए कोशिश करूँगी, जैसे थोड़ा बिजी थी इसके लिए नहीं मैं शूट कर पा रही थी, तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगी मैं अपना टाइम पे बना पाऊँ। बट हबी का भी 4 बजे तक शॉप खुला है, तो मेरा पूरा रूटीन अभी चेंज हो चुका है, तो उसकी वजह से बहुत लेट सेट हो रहा है। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।